नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं ग्राइंडिंग व्हील का पार्ट नंबर 2, यानी कि भाग 2। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बता दें एक बार कि ग्राइंडिंग व्हील जो होता है हमारा, वो एब्रेसिव कड़ और बॉन्ड से मिलकर बना होता है। आपको एक बात हम बता दें कि ग्राइंडिंग व्हील जैसे हम मार्केट में लेने जाएँ तो हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, क्या क्या बातें ज़रूरत पड़ती हैं जिससे कि हमें वो ग्राइंडिंग व्हील सही से मिल जाए। तो इसमें कुल लगभग 15-16 पॉइंट हैं जो आपको मैं बोल रहा हूँ, आप समझना। नंबर एक है व्हील का व्यास, यानी कि कितने डायमीटर का हमें व्हील चाहिए। नंबर दो है थिकनेस ऑफ व्हील, मोटाई कितनी होनी चाहिए व्हील की, स्ट्रेट होना चाहिए या फिर टेपर। नंबर तीन है बोर का साइज कितना होना चाहिए। नंबर चार है ग्रेड ऑफ व्हील, यानी कि व्हील का ग्रेड क्या होना चाहिए। नंबर पाँच है ग्रेन साइज, यानी कि किस ग्रेन साइज का हमें व्हील चाहिए। नंबर छः है व्हील की आकृति, यानी कि शेप ऑफ व्हील, यानी कि किस आकार का हमें व्हील चाहिए। नंबर सात है कार्य का विवरण, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, यानी कि कौन सा हमें कार्य करना है उस व्हील के द्वारा, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। नंबर आठ है बॉन्ड का प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ बॉन्ड, यानी किस बॉन्ड का हमें व्हील चाहिए। नंबर नौ है स्ट्रक्चर, किस स्ट्रक्चर का हमें व्हील चाहिए। और नंबर 10 है मशीन का प्रकार, यानी किस प्रकार की मशीन पर हम वो व्हील यूज़ करने वाले हैं, ये भी हम स्पेसिफिकेशन बताते हैं जब ख़रीदते हैं। नंबर 11 है ग्राइंड होने वाली धातु, यानी किस धातु को हमें ग्राइंड करना है, प्लास्टिक को, एल्युमिनियम को, हाई कार्बन स्टील इत्यादि ऐसे। नंबर 12 है शुष्क या गीली ग्राइंडिंग, ड्राई और वेट ग्राइंडिंग, आपको सूखे में ग्राइंडिंग करनी है या फिर गीले में, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 13 है व्हील की गति, यानी कि किस स्पीड पे हमें व्हील चलाना है, ये भी देखा जाता है वहाँ पे। नंबर 14 है ऑटोमेटिक या ऑफ हैंड ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग हम ऑटोमेटिक करेंगे या फिर हाथ से पकड़ के ऑफ हैंड करेंगे। नंबर 15 है काटने वाली धातु की मात्रा, यानी कि अमाउंट ऑफ मटेरियल टू बी रिमूव्ड, यानी कि हम ज़्यादा मटेरियल काटेंगे या फिर फिनिशिंग में कम मटेरियल काटेंगे, ये भी हमें ध्यान देना होता है। और नंबर 16 है फिनिशिंग की शुद्धता, यानी कि एक्यूरेसी या फिनिशिंग। दोस्तों, ये 16 पॉइंट हैं। अगर हम कोई नया ग्राइंडिंग व्हील ख़रीदने जाते हैं मार्केट में तो हमें इन 16 पॉइंट को मालूम होना चाहिए और इन्हीं के अनुसार ही हम वो ग्राइंडिंग व्हील ख़रीदते हैं। अब दोस्तों, आपको बताते हैं ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेन साइज़ का चार्ट, इसके बारे में बताते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप देख रहे हैं इसमें क्रम है, 1, 2, 3, 4 हैं। ग्रेन या ग्रिट भी बोलते हैं इसे। ग्रेन आपका कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन है। साइज़ में आप देखिए 10 से लेकर शुरू हुआ है, 10 कोर्स में देखिए आप 10, 12, 14, 16, 20, 24, मीडियम में 30, 36, 46, 54, 60, फाइन में है 80, 100, 120, 150, 180 और वेरी फाइन में है 220, 240, 280, 320, 400, 500 और 600। दोस्तों, कोर्स का मतलब होता है मोटा, मीडियम का मतलब होता है थोड़ा कोर्स से थोड़ा कम पतला, मतलब थोड़ा महीन, फाइन का मतलब थोड़ा और महीन, यानी कि मीडियम से ज़्यादा महीन, और वेरी फाइन का मतलब है बहुत ज़्यादा महीन, बिल्कुल महीन। और जो आपका 600 नंबर दे रखा है, ये फ्लोर साइज ग्रेन होता है, ये आटे जैसा होता है, बिल्कुल ही महीन होता है, यानी कि सबसे महीन अगर है वो 600 नंबर है। अगर आपसे पूछे कि सबसे मोटा मतलब को ग्रेन साइज़ कितना होता है सबसे बड़ा, तो वो होता है 10 नंबर, और सबसे महीन यानी कि सबसे फाइन ग्रेन साइज़ कितना होता है, वो होता है 600 नंबर। दोस्तों, इसका ग्रेन साइज़ का प्रभाव जो है फिनिशिंग पर पड़ता है। यदि हमें कम मात्रा में धातु काटनी है और अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो हम वेरी फाइन और फाइन ग्रेन साइज़ यूज़ करते हैं, और अगर हमें फिनिशिंग नहीं चाहिए और अधिक मात्रा में धातु हटानी है तो फिर हम कोर्स और मीडियम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, कोर्स और मीडियम ग्रेन साइज़ का प्रयोग हम नरम धातु काटने के लिए करते हैं, और फाइन और वेरी फाइन साइज़ का प्रयोग हम बहुत ही कठोर धातुएं काटने के लिए करते हैं। अगर बात हम फिनिशिंग की करें तो कोर्स ग्रेन साइज से फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आती, यानी कि रफ़ ग्राइंडिंग होगी हमारी, और अगर हमें फिनिशिंग चाहिए जॉब पर तो हम वेरी फाइन और फाइन का यूज़ करेंगे,
और सबसे अच्छी फिनिशिंग के लिए हम वेरी फाइन जो ग्रेन साइज है या ग्रिट साइज है उसका हम प्रयोग करेंगे। अब आपको हम बता दें कि ग्रेन साइज या ग्रिट साइज का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो सिल्लियाँ हमारी होती हैं एब्रेसिव कट की, सिल्लियों को हम क्रैश करते हैं, तोड़ते हैं रोलर में, तो महीन बुरादा बन जाता है एब्रेसिव कड़ों का। तो क्या होता है, इन्हें छलनियों में छानते हैं, क्या होता है प्रति वर्ग इंच सुराखों की संख्या जो होती है वो निर्धारित की जाती है। यदि एक इंच में 10 होल हैं तो 10 नंबर उसका साइज होगा, यदि एक इंच में एक वर्ग इंच में 600 होल हैं तो उसका साइज नंबर 600 होगा। यानी कि 10 होल होने से मोटा मोटा हमारा साइज निकलेगा, बड़ा बड़ा साइज निकलेगा, और एक ही वर्ग इंच क्षेत्रफल में अगर 600 होल हैं तो फिर बहुत महीन महीन जो हमारी ग्रेन हैं वो निकलेंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों, ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेड का टेबल। पहले हमने पढ़ा ग्रिट या ग्रेन साइज, अब पढ़ेंगे ग्रेड। दोस्तों ग्रेड जो होता है इसमें तीन प्रकार के ग्रेड होते हैं, पहला है सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। दोस्तों ग्रेड को हम अंग्रेजी के अक्षर ए से लेकर जेड तक निरूपित करते हैं। जैसे सॉफ्ट के लिए ए से जेड तक, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, और मीडियम के लिए आई से पी तक, आई जे के एल एम एन ओ पी, और हार्ड ग्रेड के लिए क्यू से लेकर जेड तक, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब आपको बता रहे हैं कि ग्रेड का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों ग्राइंडिंग व्हील में जो ग्रेड का मतलब होता है कि कोई भी हमारा बॉन्ड जो है एब्रेसिव कड़ों को कितनी मजबूती से पकड़ता है, या हम ये कह सकते हैं कि व्हील की जो कठोरता है या हार्डनेस है वो बॉन्ड पर ही डिपेंड करती है। व्हील की जो हार्डनेस है वो बॉन्ड पर ही डिपेंड करती है, यानी कि बॉन्ड जो होता है हमारा एब्रेसिव कड़ों को पकड़े रहता है। इससे हम कह सकते हैं कि अगर हार्ड ग्रेड का व्हील है हमारे पास, अगर हार्ड ग्रेड का व्हील है तो क्या होता है, कड़ों को बहुत जल्दी नहीं छोड़ता है, मतलब कड़ों को देर तक पकड़े रहता है। और जो हमारा सॉफ्ट ग्रेड का व्हील होता है वो कड़ों को बहुत जल्दी छोड़ देता है, जो हमारे एब्रेसिव कड़ होते हैं बहुत जल्दी छोड़ देता है। और इन्हें जैसा कि आप देख रहे हैं अंग्रेजी के अक्षरों से निरूपित करते हैं। और क्या होता है दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि कठोर धातुओं के लिए नरम ग्रेड का व्हील प्रयोग करते हैं और नरम धातुओं की ग्राइंडिंग करने के लिए हार्ड ग्रेड के व्हील का चयन करते हैं। और इसमें दोस्तों एक आपको एक पॉइंट और बता दें कि जो भारी मशीनें होती हैं, भारी मशीनें मतलब जिन पर वाइब्रेशन कम होते हैं, कम वाइब्रेशन वाली मशीनों पर सॉफ्ट व्हील यूज़ करना चाहिए, यानी कि नरम ग्रेड का व्हील यूज़ करना चाहिए, और जो छोटी और पोर्टेबल मशीनें होती हैं उन पर हार्ड ग्रेड का व्हील प्रयोग करते हैं। और दोस्तों क्या होता है, यदि कारीगर या ऑपरेटर कुशल है तो वो सॉफ्ट ग्रेड का व्हील प्रयोग कर सकता है, अगर कुशल नहीं है यानी कि नया कारीगर है तो उसे हार्ड ग्रेड का व्हील ही प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं हम ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर नंबर, यानी कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर हमारे ग्राइंडिंग व्हील का है। तो उसकी टेबल देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें क्रम दो हैं, पहला है डेंस और दूसरा है ओपन। दोस्तों ये स्ट्रक्चर हम एक से लेकर 16 नंबर तक डिफाइन करते हैं। यदि एक से लेकर 8 तक है तो डेंस स्ट्रक्चर, यानी कि घना घना बहुत ज़्यादा, मतलब पास पास, और अगर 9 से 16 नंबर तक है तो वो ओपन स्ट्रक्चर होगा, यानी कि दूर दूर। दोस्तों आप इसके बारे में बात करते हैं, कुछ पॉइंट हैं आपको बता दें कि कठोर धातुएं हैं जैसे हाई स्पीड स्टील इत्यादि, उन पर अच्छी फिनिशिंग के लिए, यानी कठोर धातुएं हों और अच्छी फिनिशिंग के लिए हम डेंस स्ट्रक्चर वाला व्हील प्रयोग करते हैं, और नरम धातुओं के लिए और ज़्यादा कटाई के लिए हम ओपन स्ट्रक्चर वाले व्हील का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों एक पॉइंट इसका और है, बड़े क्षेत्रफल के लिए जो होता है, बड़े क्षेत्रफल के लिए जो है हमारा ओपन स्ट्रक्चर का व्हील प्रयोग करना चाहिए,
और छोटा अगर क्षेत्रफल यानी कम क्षेत्रफल में हमें अगर ग्राइंडिंग करनी हो तो डेंस स्ट्रक्चर वाले व्हील का प्रयोग करना चाहिए। अब दोस्तों आते हैं ग्राइंडिंग व्हील के बॉन्ड पे। जैसा कि हमने बताया था कि हमारा ग्राइंडिंग व्हील जो है बॉन्ड और एब्रेसिव कट दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो बॉन्ड जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं और उनका सिंबल क्या क्या होता है पहले आप ये देख लीजिए। तो पहला है विट्रीफाइड बॉन्ड, ये वी अक्षर से प्रदर्शित होता है। नंबर 2 है सिलिकेट बॉन्ड, ये एस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं इसे। नंबर 3 है सैलाक बॉन्ड, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और नंबर 4 है रेजोनाइट बॉन्ड, ये बी से डिनोट करते हैं इसे। और नंबर 5 है रबर बॉन्ड, इसे आर से डिनोट करते हैं। और नंबर 6 है ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड, इसे OXY सिंबल से डिनोट करते हैं। और नंबर 7 है मेटेलिक बॉन्ड, इसे एम से डिनोट करते हैं। दोस्तों मेटेलिक बॉन्ड जो होता है ये मेटल का होता है, धातुओं का। और अब बात करते हैं कि हमारा कौन कौन सा बॉन्ड कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, कहाँ कहाँ के लिए स्पेसिफाइड है वो। इस बारे में देखो, सबसे अधिक और सामान्यतः प्रयोग करने के लिए जो हम बॉन्ड यूज़ करते हैं वो होता है हमारा नंबर 1 विट्रीफाइड बॉन्ड। टूल की ग्राइंडिंग और संगमरमर की ग्राइंडिंग के लिए सिलिकेट बॉन्ड का व्हील प्रयोग करते हैं, यानी कि सिल्की ऐसा व्हील जिसमें सिलिकेट बॉन्ड हो उसका प्रयोग करते हैं। इसके लिए टूल की ग्राइंडिंग और संगमरमर की ग्राइंडिंग के लिए। और आप देखिए आगे कि अगर हाई फिनिशिंग चाहिए, उच्च फिनिशिंग चाहिए, उसके लिए हम सैलाक बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। इसका सिंबल आपको ई दिखा रहा है ये। और अगर उच्च फिनिशिंग के लिए हम रबर बॉन्ड व्हील का भी प्रयोग करते हैं। और देखिए आगे कि पार्टिंग के लिए, पार्टिंग का मतलब किसी भी वस्तु को दो भागों में बांटना यानी कि काटना दो भागों में, इसके लिए हम रेजोनाइट बॉन्ड या रबर बॉन्ड जो होता है, इन दोनों पही मतलब व्हील का हम प्रयोग करते हैं। अगर हम मशीन की गति के बारे में बात करें तो यदि मशीन के जो आरपीएम हैं 2000 या फिर इससे कम हैं तो फिर विट्रीफाइड बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। इसका सिंबल आपको वी दिखाया गया है। और यदि हमारी मशीन के आरपीएम ज़्यादा हैं यानी कि 2000 आरपीएम से ज़्यादा हैं तो वहाँ पर रेजोनाइट बॉन्ड व्हील का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये जैसा कि आपने देखा, हमने पार्ट 1 में जो ग्राइंडिंग व्हील है उसका स्पेसिफिकेशन बताया है कि उसमें कौन कौन से टर्म्स होते हैं, कौन कौन सा व्हील का ग्रेड कौन सा है, बॉन्ड कौन सा है, सिंबल कंपनी वाला कौन सा है, कौन कौन से उसमें एब्रेसिव कड़ यूज होते हैं, ये सारा कुछ हमने पार्ट 1 में बताया है आपको। आप अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो उसके लिए धन्यवाद, और आप पार्ट 2 इसका ज़रूर देखिए। और ये तो पार्ट 2 है, आप इसका पार्ट 1 अवश्य देखिए। और एक चीज़ बता दें आपको, हम एक बार फिर से आपको हम रिवाइज़ करा दें कि वर्कशॉप में जो प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार ग्राइंडिंग मशीनें होती हैं उनके नाम बता देता हूँ आपको। हैंड ग्राइंडर, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, फ्लेक्सिबल शाफ्ट ग्राइंडर, सैंड बेल्ट ग्राइंडर, बेंच ग्राइंडर, पेडेस्टल ग्राइंडर, वेट ग्राइंडर, पेडेस्टल टूल ग्राइंडर, ये सारे होते हैं हमारे वर्कशॉप में यूज किए जाते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, अधिक फिनिशिंग नहीं आ पाती है। अब आपको बता रहे हैं हम कि जो प्रिसीजन ग्राइंडिंग करते हैं यानी कि फिनिशिंग के लिए जो ग्राइंडिंग यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, मशीनें कुछ हैं, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन, ये हमारी। और लास्ट है आपका टूल एंड कटर ग्राइंडर। तो ये सारी ग्राइंडिंग मशीनें हैं जिनसे हम ग्राइंडिंग ऑपरेशन करते हैं। और सबसे लास्ट में बता दें आपको, एक सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो